बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय किचन। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल समोसे और आलू के समोसे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन वेजिटेबल समोसे बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत लजीज बनते हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद भी बहुत आएंगे। इसके लिए मैंने बंद गोभी ली है, लाल गाजरें, शिमला मिर्च, चिकन को मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉयल कर लिया था, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, ऑयल आधी प्याली डालूँगी, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले 1/2 प्याली ऑयल ऐड करूँगी और उसके बाद कैरेट्स ऐड करूँगी, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो सबसे पहले कैरेट्स ऐड करूँगी और इसको मैं थोड़ा सोते करूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रही हूँ, इसको भी थोड़ी देर सोते करूँगी, लेकिन इनको ज़्यादा देर कुक नहीं करना है क्योंकि सब्ज़ियों का ज़ायका ख़राब हो जाता है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च जो है उसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, वरना ये अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है। जी, इसमें चिकन डाला मैंने, अब इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस, विनेगर, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और ये अदरक का पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर सब्जियों को कुक नहीं करना है। अब ये फिलिंग जब ठंडी हो जाएगी तो मैं इसके समोसे बनाऊंगी। के समोसों के लिए मैंने आलूओं को उबाल कर और इनको मैंने मेश कर लिया है। इसके अलावा इसमें सफ़ेद ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च जाएंगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। और ये हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये इसके अंदर जाएंगी। पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी और फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च ऐड करूंगी। जब ये कड़कड़ाने लगेंगे ना तो फिर मैं इसमें मेश्ड पोटैटोस ऐड कर दूंगी। मैं जब भी आलू भरा पराठा बनाती हूँ या फिर कटलेट्स बनाऊँ या समोसे, तो मैं मेश्ड पोटैटोस को पहले फ्राई कर लेती हूँ, इससे कच्चापन नहीं रहता। तो आप भी जब बनाया करें तो पहले इसको फ्राई कर लिया करें, इससे इंशाल्लाह टेस्ट में बहुत इजाफ़ा होगा। आप एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राई करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नमक डालेंगे इसमें, काली मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करूंगी और उसके बाद जब ये फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो मैं इसके समोसे बनाऊंगी। बस फिलिंग के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से समोसे की पट्टी को फोल्ड करें। ये इस तरह आप इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, और ये कोन की तरह इसको बना लेंगे। कोन बन गई। अब इसमें आप ये जो फिलिंग बनाई है ना, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। स्पून के साथ मैं इसको ऐड करके और फिर इसको प्रेस करूँगी इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं टर्न करूँगी। ये देखें, ये कोना है ना, ये कोना ये इस तरह मिलना चाहिए, मिल गया। अब ये लई में जो बनाई थी ये मैं इस पे लगाऊंगी और इस पे चिपका दूंगी। बहुत ही इजी, ये देखें
बन गया समोसा। अब ये समोसे बना के आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, जब मेहमान आए तो आप फ्राई कर लें और पेश करें, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अक्सर जब खाली होती है ना पत्ती तो कोन नहीं बन सकती लोगों से, तो आप इस तरह ये फिलिंग इसके ऊपर रखिए जिस तरह मैं रख रही हूँ, ये देखिए। अब ये वाला जो कोना है ये मैं इस तरह टर्न करूँगी, ठीक, टर्न हो गया। और अब ये देखें ये कोन बन गई दोबारा से जैसे पहले बनी थी, लेकिन वो खाली थी, अब ये भरी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं लई लगाऊंगी, ये लगाने के बाद मैं इसको टर्न करूंगी, ये कोने दोनों मिलने चाहिए, और ये दोबारा से यहाँ पे मैं लई लगाऊंगी और चिपका दूंगी इस पर, बहुत ईजी। ये देखें समोसा तैयार है, बिल्कुल ईजी है, आप इसे आराम से बना सकती हैं, समोसा बन गया। अब आलू का समोसा भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह आप इसको फोल्ड करके आलू की फिलिंग करें इसमें, इसको टर्न कीजिए, इसकी कोन बनाइए जिस तरह पहले बनाई थी, ठीक है। और ये जो आलू की फिलिंग है ये इसमें ऐड कीजिए। एक्चुअली आलू की जो फिलिंग है ना वो थोड़ी सी चिपचिपी होती है, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करना होता है ताकि ये कोने तक चली जाए और कोना जो है वो खाली ना रहे, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करें, ठीक है। इस तरह ये प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। अब इस पे लई लगाइए और इसको फिर टर्न कर दीजिए इस तरह, ठीक, टर्न हो गया। अब इस पे ये जो सामने वाला ये कोना है इस पे आप लई लगा के इसको भी बंद कर दीजिए। समोसा हमारा तैयार है, अब मैं इसको समोसों को फ्राई करूँगी, ठीक है। व्यूअर्स, ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है, अब मैं इसमें समोसे ऐड कर रही हूँ। इनका आप साइड चेंज करेंगे। समोसे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल कर टिश्यू से इनका जो एक्सेस जो ऑयल है वो ड्राई कर लूँगी ताकि ये क्रिस्पी रहें। जी व्यूअर्स, हमारे हेल्दी यमी यमी क्रिस्पी क्रंची समोसे रेडी हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है क्योंकि ये वेजिटेबल्स से बने हैं। मैं अक्सर अपने बेटे को सुबह लंच बॉक्स में भी ये देती हूँ और जब मेरे घर में मेहमान आते हैं तब भी मैं उनके सामने पेश करती हूँ। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।